हाय गाइस, वेलकम टू फॉर फ्रेंड्स। गाइस, ये अभी बहुत रिसेंटली जो न्यूज़ आई है जय एंड वीरू की, ये जो एक जैक के साथ एक इंसिडेंट हुआ है इंडिया में, लोखंडवाला में, मुंबई में, तो मुझे इस समय मुझे कुछ आइडिया नहीं था। थैंक यू टू यू गाइस, आपने मुझे बताया, क्योंकि यहाँ पर यूएस में ऐसा इतनी न्यूज़ नहीं देख पाते हम लोग। पर बहुत ही एक सैड इंसिडेंट इसके बारे में मैंने सुना है कि जय नाम के एक डॉग को स्ट्रेट डॉगी जिसको आप बोलेंगे, तो उसको एक आदमी ने सरिये से, रॉड से मार मार के सरफो डाला, ब्लड हो गया उसका। गुस्सा आता है ऐसी न्यूज़ सुन के, गुस्सा आता है। पिछली वीडियो भी मैंने ऐसी ही बनाई थी कि जो डॉग बैन हुआ था इंडिया में, जो प्रपोजल आ रहा है डॉग बैन का, एंड इट्स नॉट गुड, तो वो भी अगेंस्ट स्ट्रे डॉग के बारे में ऐसा था। तो अल्टीमेटली इस बात से हमने ये सीखा कि सबसे पहले तो स्ट्रे डॉग्स नहीं होने चाहिए। और पिछली वीडियो में भी आपने काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला था कि स्ट्रे डॉग्स होने चाहिए। मैं अभी भी सरप्राइज हूँ कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि स्ट्रे डॉग्स होने चाहिए। स्ट्रे डॉग्स नहीं होने चाहिए गाइस। स्ट्रे डॉग्स बेसिकली ऐसे डॉग्स हैं जो कि आवारा हैं, उनका कोई ओनर नहीं है, दे लाइक होमलेस। तो होमलेस डॉग होना इसमें क्या अच्छी बात है? कोई उनको फूड नहीं देता, सड़क पर घूमते रहते हैं, गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं, खाने से मर जाते हैं, लाइक भूख से मर जाते हैं, और एक दूसरे को काट लेते हैं, किसी और को काट लेते हैं, उनमें बीमारी होती है, बीमारी से मर जाते हैं। इसमें क्या अच्छी बात है स्ट्रीट डॉग्स होना? तो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो कंट्री में ऐसे लॉज होने चाहिए कि स्ट्रीट डॉग्स नहीं होने चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करें, उनकी टेक केयर करें, या अडॉप्शन कंपनीज, अडॉप्शन जो सेंटर्स होते हैं, शेल्टर्स होते हैं, वो उनको अडॉप्ट करें, और उनका न्यूटर्स पे होना चाहिए डॉग्स का, ताकि वो और स्ट्रीट डॉग्स ना बनाए फ्यूचर में। बट एनीवे, आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो बीइंग डॉग लवर्स, हम यू नो बनी डैडी को बहुत प्यार करते हैं, हम डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं, एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं। तो यू नो मुझे था कि इस वीडियो के थ्रू मैं एक अवेयरनेस बिल्कुल फैलाना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा कि आप सबको प्यार करें। और मैंने एक न्यूज़ और देखी है जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, कोई खबर 24 की है, मैं नीचे डाल दूँगा, आप देख लेना, कि वो न्यूज़ वाले कहते हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो डॉग बल्कि एक्सीडेंट से मारा गया है, उसको कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है कि उस बंदे ने उसको मारा है डॉग को, कोई प्रूफ नहीं है। आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है, बट अगर ऐसा भी हुआ है, आई एम वेरी सैड टू से कि यू नो ब्रेक्स माई हार्ट। तो बस इस वीडियो के साथ एक मैसेज दे रहे हैं मुझे सोसाइटी को कि ये न्यूज़ देख के मुझे तो लग रहा है वी आर फेलिंग एज अ सोसाइटी। अगर डॉग्स की टेक केयर नहीं करोगे, तो बेज़ुबान की टेक केयर नहीं करोगे, तो आपने क्या किया ज़िंदगी में? अपने लिए अगर काम किया तो अपने लिए तो सब करते हैं, किसी और के लिए करके दिखाएं, कुछ लाइफ को ऐसा बनाएं जो भगवान भी आपसे प्राउड फील, आपको बना के प्राउड फील करें। तो बस एक आज की एक बहुत ही क्विक और छोटी वीडियो बनाना चाहता हूँ, अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि गाइस डॉग्स बहुत अच्छे, अगर डॉग्स की अच्छी टेक केयर करेंगे तो डॉग्स भी अच्छे होते हैं, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स हों। और अगर ये जो न्यूज़ आई है जहर वीरू की, तो ये मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है, बट इस हैवानियत की भी हद होती है गाइस। ऐसे कौन मारता है यार? अगर उस डॉगी ने भौंक दिया, क्या हो गया फिर? डॉग भौंकते ही हैं, बट ऐसा कौन मारता है यार? कम ऑन। तो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग गाइस, डॉग्स की टेक केयर करें, और ट्राई करें कि डॉग्स ना ही हो, स्ट्रे डॉग्स ना ही हो, स्ट्रीट पे ना हो तो अच्छा है। अडॉप्ट करें, शेल्टर्स में जाएं, डॉग्स को खाना खिलाएं, और स्प्रे न्यूटर ज़रूर कराएं गाइस, ऐसे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी, ताकि वो लावारिस नहीं होंगे। प्रॉपर ब्रीडिंग कराएं डॉग्स की, मैं ये नहीं बोल रहा कि डॉग्स की ब्रीडिंग ना कराएं, डॉग्स की ब्रीडिंग कराएं, पर प्रॉपर कराएं तरीके से, ताकि एक घर में जाए वो, टेक केयर हो, ना कि ऐसे आवारा फिरेंगे तो प्रॉब्लम होगी, सबको प्रॉब्लम होगी। तो गाइस, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग।